अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज हम हमारे चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। पहला हमारे पास एमसीक्यूज है, द एडिशनल सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन अ बैक्टीरियल सेल आर कोल्ड, दीज आर प्लाज्मिड्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज प्लाज्मिड्स। हमने पढ़ा था कि प्लाज्मिड जो होता है वो बैक्टीरिया की बॉडी में एक्स्ट्रा होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है और वो सर्कुलर होता है। उसके बाद सेकेंड एमसीक्यूज हमारे पास है, व्हाट मे बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। कि अगर हम जेनेटिक प्लांट्स ही जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है, उसका मकसद क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। फर्स्ट ऑप्शन है इसका प्रोडक्शन ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट्स, के हम डिजीज से लड़ना चाह रहे हैं। हाँ जी, ऑप्शन बी है इम्प्रूवमेंट ऑफ इन न्यूट्रिशन क्वालिटी, के हम उसकी क्वालिटी, प्लांट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। एंड ऑप्शन सी है प्रोडक्शन ऑफ हर्बिसाइड्स रेजिस्टेंट प्लांट, के हम जो हर्बिसाइड्स को जो के वजह से जो इफेक्ट हो रहा है उनको जो है किल करना चाह रहे हैं। ये भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। थर्ड एमसीक्यूज है हमारे पास, प्लाज्मिड अटैच विद द फॉरेन जीन इज कलेक्टिवली कॉल्ड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। थर्ड एमसीक्यूज का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हमने पढ़ा था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक ऐसा प्लाज्मिड है जिसके साथ हमारे पास फॉरेन जीन हमारा अटैच होता है, उसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, दैट इज ऑप्शन बी। फोर्थ एमसीक्यू है, द ऑर्गेनिज्म हूज सेल एंड प्लाज्मिड आर यूजुअली यूज इन जीनेटिक इंजीनियरिंग, कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसका सेल या प्लाज्मिड हम यूज़ करते हैं। हम जानते हैं, हम पूरे चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं कि बैक्टीरिया है। तो एमसीक्यूज नंबर 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज़ बैक्टीरिया। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज एमसीक्यूज नंबर 5। सेक्शंस ऑफ डीएनए सर्विंग एज कोर्स फॉर डिवेलपिंग करेक्टर इन एन ऑर्गेनिजम्स आर कोल्ड, कि सेक्शन ऑफ डीएनए को हम क्या नाम देते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज जीन्स। एमसीक्यूज नंबर 5 है ऑप्शन ए, जीन्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। इसका करेक्ट आंसर है क्विनिन, ऑप्शन बी। एमसीक्यूज नंबर 6 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज क्विनिन। अब हम बाकी ऑप्शंस देखें, इंसुलिन, बीटा एंडोर्फिन एंड एंटी इंटरफेरोन, ये हम तीनों पढ़ चुके हैं। इंसुलिन जो है ग्लूकोज के लेवल को कम कर चुका है, कर सकता है। बीटा एंडोर्फिन एक पेन किलर है और इंटरफेरोन एक एंटीवायरल प्रोटीन है। एमसीक्यूज नंबर 7, हाउ डू जेनेटिक इंजीनियर्स कैन गेट्स इंसुलिन फॉर डायबिटिक पेशेंट, कि हम इंसुलिन कैसे लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। एमसीक्यूज नंबर 7 है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज इंसुलिन जीन इंसर्टेड इन बैक्टीरिया। वो हमसे पूछ रहा है कि हम लोगों ने इंसुलिन को कैसे लिया। तो अगर हम उसके टॉपिक को रिवाइव करें तो उसमें हम लोगों को वो हम लोगों को बताता है कि हम लोगों ने इंसुलिन के जीन को बैक्टीरिया में इंसर्ट किया था और फिर जब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हुआ था तो हम लोगों ने वहाँ से इंसुलिन ले ली थी। अब अगर हम इसका ऑप्शन नंबर ए देखें, आइसोलेट फ्रॉम ह्यूमन पैनक्रियाज, ये करेक्ट आंसर हो सकता है। लेकिन अगर हम इसकी स्टेटमेंट पढ़े, उसने कहा हाउ डू जेनेटिक इंजीनियर्स, ये ऑप्शन ए जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग का काम नहीं था। वो उन्होंने कहा था कि हम पहले ऐसे करते थे, जेनेटिक इंजीनियरिंग के आने के बाद हम लोग ऐसा नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल ऑर्गन्स, कि हम एनिमल ऑर्गन्स को किस मेथड से बना सकते हैं। तो हमने पढ़ा था थ्रू क्लोनिंग हम जो है बना सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। एमसीक्यूज नंबर 8, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज क्लोनिंग, कि हम क्लोनिंग के थ्रू जो है अपना एक ऑर्गन जो है वो नया बना सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यूज नंबर 9, व्हाई डू जेनेटिक इंजीनियर्स यूज़ बैक्टीरिया इन जेनेटिक इंजीनियरिंग,
कि जेनेटिक इंजीनियर्स ने बैक्टीरिया को यूज़ क्यों किया था, इसके हम लोगों ने दो रीजंस पढ़े थे. एक तो था कि उसमें प्लाज्मिड होता है, और सेकंड था कि इसका रेट ऑफ रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट होता है. बाकी तीन ऑप्शन उसमें इन दोनों स्टेटमेंट से मैच नहीं करते. ऑप्शन डी है, बैक्टीरिया डिवाइड वेरी फास्ट एंड मेक कॉलोनीज, दिस इज़ द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी. एमसीक्यू नंबर 9 है, करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर डी, कि रेट ऑफ रिप्रोडक्शन बहुत तेज़ होता है जिसकी वजह से वो रैपिड जो है क्लोनीज बनाते हैं, इस वजह से हम लोग को जल्दी से हमारी प्रोटीन मिल जाती है. लास्ट एमसीक्यूज है, अ जीन इज इंसर्टेड इनटू अ बैक्टीरियम बाय, कि हम लोगों ने जीन को बैक्टीरिया में डाला किस प्रोसेस से. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जेनेटिक इंजीनियरिंग. लास्ट एमसीक्यू ऑप्शन 10 डी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस में जो है हम लोगों ने जीन को बैक्टीरिया में इंसर्ट किया था. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन, वो हमसे पूछता है मैचिंग करनी है हमने ऑप्शन ए को उसके रेलेवेंट ऑप्शन बी से मैच करना है. सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ग्रोथ हार्मोन, इट्स स्टिमुलेट्स द ग्रोथ. बीटा एंडोर्फिन हम लोगों को पता है एक पेन किलर है. वैक्सीन जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं इम्यूनिटी अगेंस्ट अ डिज़ीज़. इंटरफेरोन एक एंटीवायरल प्रोटीन है जो कि वायरल इन्फेक्शन को करती है. और इंसुलिन हम लोगों ने डायबिटीज़ यानी कि डायबिटीज़ मेलाइटिस यानी कि शुगर को ट्रीट करने के लिए यूज़ की थी. ओके, नेक्स्ट इज 3.3, गिव द शॉर्ट आंसर्स. फर्स्ट है व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी. पेज नंबर 32 पे जहाँ पे हमारे पास चैप्टर का इंट्रोडक्शन है वहाँ पे उसने हम लोगों को बताया हुआ व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली इट इज़ द यूज़ ऑफ लिविंग थिंग्स फॉर द गुड ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी कि हम लिविंग थिंग्स को ह्यूमन बींग्स से फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं. नेक्स्ट है व्हाट इज़ जेनेटिक टेस्टिंग. व्हाट इज़ जेनेटिक टेस्टिंग, हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग डीएनए की टेस्टिंग को जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं जो कि हमें फोरेंसिक लैब में जो है बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है. पेज नंबर 41 में ये टॉपिक है, वहाँ से हम लोग इसका आंसर देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम एटलीस्ट 2 लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. हमने 5 शायद पढ़ी थी, एक था हमारे पास इंसुलिन थी, एक ग्रोथ हार्मोन था, एक वैक्सीन्स थी, इंटरफेरॉन थे और बीटा एंडोर्फिन था. उनमें से हम कोई भी 2 लिख सकते हैं. ब्रीफली डिस्क्राइब जीन थेरेपी. जीन थेरेपी मीन्स के ट्रीटमेंट थ्रू जीन्स, के हम जीन्स को यूज़ करके ट्रीट करते हैं. इसमें हमने 2 एग्जांपल पढ़ी थी, एड्स की और कैंसर की. पेज नंबर 41 पे इसका आंसर है. 3.4, क्वेश्चन नंबर 3.4, हाउ डू साइंटिस्ट इंसर्ट द जीन ऑफ ए डिज़ायरेबल प्रोटीन इनटू अ बैक्टीरियम. पेज नंबर 35 पे इसका आंसर है. इसमें टॉपिक है कि इंसर्शन ऑफ जीन इनटू अ बैक्टीरियम. इसमें हम लोगों ने वो वाला टॉपिक स्किप करना है जिसमें उन्होंने लिखा था व्हाई वी नीड अ बैक्टीरिया. ये अगर मार्क्स पे डिपेंड करता है, अगर उसके मार्क्स ज़्यादा के लिए पूछा हुआ तो हम ये टॉपिक इंक्लूड करेंगे, वरना हम व्हाई डू नीड अ बैक्टीरिया ये वाला टॉपिक जो है एक्सक्लूड कर देंगे. क्वेश्चन नंबर 3.5, गिव डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इंसुलिन. के इंसुलिन की प्रिपरेशन कैसे होती है उसको हमने डायग्राम के थ्रू शो करना है. डायग्राम नंबर 3.5 पे शो है कि हमने पेनक्रियाज में से इंसुलिन का जीन लिया, उसको बैक्टीरिया में इंसर्ट किया, और उसके बाद जब बैक्टीरिया ने डिवाइड किया हमने इंसुलिन ऑब्टेन कर ली. क्वेश्चन नंबर 3.6, डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर. पेज नंबर 35 पे इसका आंसर जो है गिवन है वहाँ पे हम देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3.7, व्हाट इज़ जेनेटिक मॉडिफिकेशन. इसकी डेफिनेशन पेज नंबर 37 पे गिवन है कि व्हाट इज़ जेनेटिक मॉडिफिकेशन, कि हम बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस के थ्रू बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स यूज़ करके किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन्स को चेंज करते हैं. हाउ इट इज़ हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स इन फूड. पेज नंबर 40 पे जो है हम लोग फूड वाला टॉपिक इस पर पूरा लिखेंगे, उसमें प्लांट्स के बारे में बताएंगे और एनिमल्स के बारे में भी बताएंगे किस तरह हम फूड की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंक्रीज़ करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू. लास्ट क्वेश्चन इज़ डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट. इसमें हम हेल्थ और इन्वायरमेंट दोनों टॉपिक लिखेंगे कि हेल्थ में के इशूज़ सॉल्व करने में किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी में हमें हेल्प आउट की है, और किस तरह से इन्वायरमेंट के इशूज़ को सॉल्व करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी ने हमें हेल्प आउट की है. यहाँ तक हमारा चैप्टर नंबर 3 विद एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो जाता है. इस चैप्टर में आपको किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन.